हाजरीन महफिल, बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं हमारे मोहतबर शायर उनकी तारीफ के लिए कुछ कहना जैसे आफ्ताब को दिया दिखाने के बराबर है। मैं इल्तमास करूंगी हमारे जौहर कानपुरी साहब से इन शेरों के साथ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, और हर धड़कते पत्थर को दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। हजरत जौहर कानपुरी साहब, सदरे मोहतरम राज साहब, कलीम कैसर साहब, नजर आलम साहब और रशाद साहब का बहुत शुक्रिया, और तमाम मराकिले कमेटी उन्हें मुबारकबाद के बहुत ही खूबसूरत बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। उरूसा ने बहुत अच्छी निजामत फरमाई, मैंने तो पहली बार सुना है, तो मुझे तो इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन दिख रहा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, या चले जाओ। देखिए थोड़ी देर का किस्सा है, जितनी देर आप शेर सुनना चाहेंगे। शायर तो शेर सुनाता नहीं है, शायर से शेर सुना जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप बहुत सुनना चाहेंगे तो मैं आपको शेर सुनाऊंगा जितनी देर आप चाहेंगे, वरना अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाऊंगा। ए बच्चे, अब थोड़ी देर मुशायरा भी सुन लो, देख चुके बहुत, अब थोड़ी देर सुन लो, है ना, थोड़ी देर सुन लो बेटा, थोड़ी देर मुशायरा सुनो। सर सैयद अहमद को नजर है ये मुशायरा, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। जिस जमाने में वो काम कर रहे थे, ये उस जमाने में जो सरकारें थी वो अपना काम कर रही थी, लेकिन एक शख्स था जो अपना काम कर रहा था, एक ख्वाब देखा था। हम लोगों को भी चाहिए कि यही ख्वाब देखें, नई नस्ल से खास तौर पर कि ये ख्वाब देखें। आज भी सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, और सरकारें क्या बनाना चाहती हैं, लेकिन सर सैयद वाले क्या बनाना चाहते हैं, मैं चार मिसरों में यहाँ से पेश करता हूँ, और खराज अकीदत भी पेश करता हूँ इन चार मिसरों से। सर सैयद देखिए, नजर आलम साहब, अर्ज किया है कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। देखिए ये बच्चे जो है ये अपने तरीके से शेर सुन रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है इन पर, जोहर भाई ये लोग टिकटॉक वाले स्कूल वाले लोग, लेकिन ये कि आप लोग जो बैठे हैं बहुत संजीदा लोग, वो जरा तक अगर शरीक हो जाए तो ये मुशायरा और खूबसूरत हो जाएगा। जो ये मैंने चार मिसरे पढ़े थे, क्या ये चार मिसरे इस काबिल नहीं थे कि आपके हाथ उड़ जाते हैं? तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप शरीक हैं। हाँ, इस तरीके से मुशायरे में शरीक हो जाए तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। ये चार मिसरे यहां से उठाता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का इंशाल्लाह। अभी दो तीन दिन पहले एपीजे अब्दुल कलाम की सालगिरह हमने मनाई। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है,
न पढ़ाओ, हमारे बच्चों को। यार ऐसा है कि खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ी देर मुशायरा सुन लो, थोड़ी देर मुशायरा सुन लो। रात भर तुम लोगों ने सब किया है, मुशायरे में बैठे हो क्या? कहां बैठे हो आप यार? तहजीबी जलसे में बैठे हो, थोड़ी सी तो तहजीब आनी चाहिए। आप में बातचीत कर रहे हो, लौंडियों वाले शेर सुनाए जाए आपको तो भी खुश हो जाओगे आप। बेटा काम मुझे सब आता है, मैं सब काम कर दूंगा, लेकिन थोड़ी देर जरा सा कायदे से बैठो, शायरी शायरी होने दो, थोड़ी देर शायरी होने। आ जाइए भैया, आ जाइए, कोई बात नहीं भाई, मूड बना दो मेरे शेर पढ़ने का। अभी तक आप मूड नहीं बना पा रहे, आप बातचीत कर रहे हैं, हम आपको देख लेते हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। हंगारों को फूल बनाया जाएगा। देखिए आप जरा सा मूड बना दें तो मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, लेकिन जब तक मूड आप नहीं बनाते मैं अभी वो शेर सुना रहा हूं जो मुझे यहां नहीं सुनाने थे, लेकिन मैं सुना रहा हूं, मूड बन जाएगा तो सुनाऊंगा। हद में दोजक की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हद में दोजक की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। हद में दोजक की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दो शीजा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। और जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। शेर पढ़ना शुरू करूं? ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा पढ़िए, दोबारा इरशाद, दोबारा पढ़ूं? बताइए बताइए, जोरदार तालियों से बताइए, दोबारा पढ़ना है इनको। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरजूए शहादत करेगा कौन। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरजूए शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रोकर कहा ये आज के, जिंदाबाद सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरजूए शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन, भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं। देखिए दरभंगा में पढ़ रहा हूँ, बिहार के, बैठ जाए आप भाई साहब। मैं जानता हूं कि आप सब शेर की तह तक पहुंचते हैं, इसलिए तमहीद नहीं सिर्फ शेर पढ़ रहा हूं, बस आप जरा सा सुकून तो सुनते रहिए, शेर की तह में जा रहे हैं आप, मुझे रिस्पांस मिल रहा है। एक चार मिसरे और पढ़ रहा हूं कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। क्या बात, पहुंचिए शेर कहां तक आ गया। ये एहसास के नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे।
और कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहा समझा। क्या बात है, वाह 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 वाह। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे, कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। वतन की सरजमी को देखिए, अहले सियासत कुछ भी करते रहे, हम शायर अदीब कवि अपना काम करते रहेंगे, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। क्या बात है, क्या बात है भाई, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। देखिए एक एक मतलब पढ़ता हूं मैं, ध्यान दे दिए जरा सा। क्या है कि रूप बदला, कुछ मत करो खुदा के लिए, रूप बदला। दूसरा शेर आ रहा है, जरा से तवज्जो का तालिब है वो शेर। रूप बदला उरुसा, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। अब शेर ये है जिस जो सुनाना चाहता था खास तौर पर, बस इसकी तह में पहुंच जाए यहाँ के, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, कैरेक्टर तलाश कर लीजिए। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छे शायरी में क्या बात कही है, बहुत उम्दा। जो ये कहता, जरूरी नहीं कि भाई नाम लिया जाए, बहुत उम्दा। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, बहुत अच्छा जी, एक बार अरदास करें, बहुत बहुत शुक्रिया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। क्या बात है, एक फिर मतला आ रहा है साथ, फिर आपकी तवज्जो चाहिए खास। दिन भी सुना रात भी वीरा, दिन भी सुना रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सुना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तालियां कम है आपकी, आपके दांत कमजोर है, सब गम के मारे हैं सर। ये जो मतला था इस पर आपने बड़ा नवाजा, एक बार जोरदार ताली बजा दे। बहुत शुक्रिया, ठीक है। दिन भी सुना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, ये दरिया। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। सर सर पढ़िए सर सर। पढ़ूं? अभी तो जवार भाटा आया सर। चलिए। दिन भी सुना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो।
दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। शेर सुनिए, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, पूरा हुआ है अदा हुई एक सुन्नत भी, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा अदा हुई एक सुन्नत भी, दुनिया भर ने कुत्ते पाले मैंने बकरी पाली। क्या बात, पूरा हुआ एक शौक भी। देखिए एक बात और बता दूं कि ये मसला नहीं है कि जो शेर हल्के से पढ़ दिया जाए उसे आदमी समझ ले कि शेर हल्का है, तो दांत भी हल्के ही से दे दो। अभी मर नहीं सकता। मैं जरूर पढ़ूंगा, कलीम कैसर साहब का हुक्म है तो मैं वो नज्म जरूर पढ़ूंगा, लेकिन कुछ शेर पढ़ लेने दीजिए। तो ये दोस्तों ये मत सोचिए कि शेर हल्का है, शेर अपनी जगह कंप्लीट है, आपको पूरी तरीके से जुड़े रहना है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा अदा हुई एक सुन्नत भी। ये बच्चे फिर गड़बड़ मत, फिर प्लीज, आप अच्छे हो गए थे, अच्छे हो गए, थोड़ी देर अच्छे ही बने रहो बेटा। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा अदा हुई एक सुन्नत भी, दुनिया भर में कुत्ते पाले मैंने बकरी पाली है। एक शेर सुनिएगा, सुनिएगा दोस्तों, एक शेर सुनिए खासतौर पर। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था आओ जन्नत खाली। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था आओ जन्नत खाली। देखिए वो बच्चा बैठा है, उसकी एक फरमाइश है एक नज्म की, और एक नज्म का हुक्म है कलीम कैसर साहब का, तो मैं जल्दी जल्दी दो दो तीन तीन मिनट में दोनों नज्में खत्म कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। आता हूं सर। पहली नज्म ये है वक्त की आवाज, ये उसकी फरमाइश है, तो मैं कुछ और ना पढ़ के फरमाइश पूरी कर रहा हूँ कि वक्त की आवाज। आज के हालात को जहन में रखिए, कैसे हालात हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या सोच हमारी होनी चाहिए या क्या मंजर मैं पेश कर रहा हूं, देखिए आप। नज़्म याद शुरू होती है कि नई सदी को नया इख्तलाफ देना, नई सदी को नया इख्तलाफ देना है, इंकलाब देना, नई सदी को नया इंकलाब देना है, हर इख्तलाफ को मिट्टी में दाब देना है। क्या बात है, नई सदी को, ये कौमी एकता का मुशायरा आपका, नजर आलम साहब और ये जौहर कानपुरी की नज्म। नई सदी को नया इंकलाब देना है, हर इख्तलाफ को मिट्टी में दाब देना है, बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर, बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई, अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है, जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दस भी पायमाल न हो, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बम्बई की तरह और कहीं भी बम न फटे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बम्बई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो, ये हमारे ये लाइन हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हम उनसे मुखातिब हैं, कि तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। क्या बात है भाई, वाह वाह, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर, इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना, ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह, जोरदार ताली बजाएं।
ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है, मदारी है। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? क्या बात। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? वाह 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 वाह, क्या सच्ची बात भाई, वाह 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 वाह। गरीब मरते हैं तो सफर क्यों नहीं मरते? वाह वाह वाह। है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेजमीर है दोनों हुकूमतों के गुलाम, जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जैसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हमीद, तुम तो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर, तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, कम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर, वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। वो लोग चैन से अपने महल में सोते, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी ये तासुब दिलों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, के इख्तलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो के बिगड़ी फदा यूं संभाल ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या लड़ाने वालों की, एक कलीम कैसर साहब जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनका हुक्म है एक छोटी सी नज्म, अल्लाह करे। देखिए जब मोहब्बतें इतनी मिलती है ना तो ट्रेन जाने का भी खदशा नहीं रहता। सुन लीजिए, इस नज्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। बहुत तवज्जो सुनिएगा, दाद देने की जरूरत नहीं है बच्चों, जरा सी आवाज नहीं होनी चाहिए वरना मेरी नज्म मर जाएगी। इसमें दाद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस कीजिए, बस आपके आपके दिल से आह निकलनी चाहिए, वाह की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत सुकून से सुनिए, इस नज्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। क्या बात, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। इसे इसे चुप करा भाई, प्लीज चुप करा, खुदा के लिए। अभी मैं मर नहीं सकता, अभी जिंदा हूं मैं, मुझमें अभी एहसास बाकी है, अभी कुछ आस बाकी है, अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है। अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है, किसी की आबरू क्या है। मैं इस मासूम सी दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, जिधर देखो मोहब्बत है, नजर वालों की जन्नत है। अभी सबको बताना है कि नफरत छोड़ कर देखो, दिलों को जोड़ कर देखो, किसी के सर पे इल्जाम गलत मैं धर नहीं सकता, मैं नफरत करने वालों से भी नफरत कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। क्या बात है, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है,
मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है वो सब इंसान जिंदा है, जमीन की शान जिंदा है। कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है वो सब इंसान जिंदा है, जमीन की शान जिंदा है। वो गांधी हो, भगत हो या हमीद अशफाक को बिस्मिल हो, ये सब जिंदा है। इनके कातिल मिट गए सारे, सभी आखिर में हारे, सभी आखिर में हारे। मुझे नफरत मिटानी है, नई एक सुबह लानी है। बहुत मुश्किल सही, मैं मुश्किलों से डर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। क्या बात है बाबा, अभी मैं मर नहीं सकता। आखिरी बंद है कि अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है। सभी को ये बताना है कि नफरत छोड़ दो भाई, अदावत छोड़ दो भाई। मिला क्या मार कर मुझको, हाँ। चढ़ाकर दार पर मुझको मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको। कभी तन्हाई में इस बात पर भी गौर कर लेना, झिंझोड़े आत्मा तो आंसुओं से आंख भर लेना। तुम्हारे दिल में जब मेरी मोहब्बत जाग जाएगी तो मेरी याद आएगी। तुम्हारे दिल में मैं जिंदा हुआ तो मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत 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 शुक्रिया सर। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।